जुदाई लंबी जुदाई, जैसे आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम की जुदाई होगी वैसे जुदाई होगी, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम की जुदाई और आदम अलैहिस्सलाम की जैसे जुदाई मेरे वैसे नसीब होगी, अल्लाह माफ़ करे। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे किसी सूरत में, मेहरबानी करो। मौत एक अटल हकीकत है, यही वजह है कि अगर हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो कि दुनिया में ज़िंदा रहते हुए अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं, उनके प्यारे सारी ज़िंदगी उनकी राह तकते रहते हैं। इस वक्त हम पत्तोकी में मौजूद हैं और एक ऐसी ही कहानी आपको दिखानी है जिसमें बांग्लादेश के एक बुज़ुर्ग इमाम मस्जिद यहाँ पर मौजूद हैं और 40 साल से वो अपने बच्चों अपने अहले खाना की जुदाई का गम मना रहे हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे मौलाना अब्दुल कबीर से जो कि पत्तोकी की निमरा मस्जिद में इमाम मस्जिद हैं, लेकिन उनके घर वाले बॉर्डर पार बांग्लादेश में आज भी 40 साल बाद उनकी राह तक रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب। मैं पत्तों की शहर का रिहायशी हूँ। मैं आज से तकरीबन सन 2015 में निमरा मस्जिद में बतौर ख़तीब के मेरी ज़िम्मेदारी तय हुई। उस वक़्त कारी अब्दुल कबीर साहब वहाँ पर बतौर इमाम के मुतय्यन थे, तो मैंने इब्तदा से ही देखा कि ये इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके कपड़े धोने वाला कोई नहीं होता था, बीमार हो जाते तो कोई ख़ास केयर करने वाला नहीं होता, परेशान रहते। तो मुझे इनकी ज़िंदगी देख के बहुत तरस आता था कि ये कैसी ज़िंदगी बुढ़ापे में और इस तरह सिसक बिलक के गुजार रहे हैं। मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से इनको कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4000 रुपये मिलता था। आप समझते हैं इस महंगाई के दौर में 4000 रुपये में क्या होता है, वो भी अक्सर चूँकि यह जैसे आपने देख लिया इंतहाई ज़यीफ़ है। कभी कोई बच्चा शरारत करता निकाल के ले जाता, 2-3 दफ़ा इनके साथ डकैती हो गई। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि आखिर कोई तो हल होना चाहिए कि इनको इनके घर तक पहुंचाना चाहिए। तो मैं इनसे अक्सर पूछता था तो ये परेशान हो जाते थे, बल्कि और पूछ घर वालों की याद आती थी तो परेशान होते थे। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा कि आप मुझे ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपको अपने घर वालों के बारे में याद होगा, आप मुझे लिख के दें। तो इन्होंने लिख के दिया। तो इस पर कराची के एक आलम दीन मौलाना वलीउल्लाह मारूफ़, उन्होंने अब तक तकरीबन 65 के करीब इस तरह मुख्तलिफ जो बांग्लादेश पाकिस्तान से इस तरह जुदा हुए या इंडिया के या दीगर ममालिक के, उनको उनके प्यारों के साथ मुलाकात करवाई। तो मैं उनका देखता था तो मैंने लिख के उनको भेजा। उन्होंने आगे जो बांग्लादेश में उनके टीम मेंबर थे उनको भेजा। तो अगले दिन ही उनका रात फ़ोन आ गया, बल्कि उन्होंने इनकी अहलिया ने इनकी तस्वीर जो जवानी की थी वो भेजी कि ये वाले हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये वाले ही हैं। तो फिर उसके बाद असल रबते का सबब मौलाना वलीउल्लाह मारूफ बने, तो उनके ज़रिए इनका रबता हुआ। तो बड़े ही रिक्कत अमेज़ मनाजिर हैं इस वक्त, वो उस जगह पे तड़प रहे हैं, ये इस जगह पे तड़प रहे हैं। और वो इनकी बेटियां रोती हैं कि किसी तरीके इनको वापस आ जाएं, इनकी अहलिया भी रोती है और ये इधर रोते हैं। ये भी एक बेटी बैठी है, कारी अब्दुल कबीर, तो मैं घर में जो है ना अब इतना मुसीबत ज़िंदगी में देखा नहीं था। जब इंडिया जब बांग्लादेश के अंदर फौज दाखिल कर दिया था तो सब कुछ बांग्लादेश से सब कुछ लूट के ले गया था। पल्ले में बांग्लादेश के पल्ले में कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह पाक ने ना बात करना चाहिए सच और हक। मेरा घर में गुरबत, खाने के इंतज़ाम नहीं, पैसे नहीं, क्या करो।
बच्चों के लेके मैं भूखा मरता हूँ, बीवी फिर रोती रहती हर टाइम, वो दिखा नहीं जाते। फिर हमने मशवरा करके, मैं अभी भी मशवरा करके सोचा कि चलो पाकिस्तान में चलता हूँ, दीन भी सीख लूँगा कुछ, ईमान अमल भी सीख लूँगा। ये हमारा मरकज़ था तबलीगी मरकज़ रायबंद, ये तो हमें पहले मालूम था कि लोग वहाँ से मशरक की पाकिस्तान से बांग्लादेश से आके यहाँ चिल्ला लगा के जाते थे। तो फिर मैं वहाँ भी बांग्लादेश में भी मैं 3 चिल्ला लगाया ढाका में। हम आए बांग्लादेश के रहने वाला, वहाँ के मिट्टी में पैदा हुआ, वहाँ हमारा ज़्यादा था है, बच्चा है, वो हमारा पासपोर्ट के तस्वीर भेज दे जवानी का, वो भी मुझे पता नहीं। मुझे मौलाना ने दिखाया कि तस्वीर आप पहचानते हो, नहीं ये वो मेरा ही तस्वीर मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तो गुरबत ये यहाँ तक पहुँचा दिया मुझे, इतना दलालत नसीब में था और ना मदीना जा सका। यहाँ समझा था कि यहाँ से वहाँ कर लूँगा, पाकिस्तान के करीब है, तो इंडिया के अंदर आके किसी ने लपड़ भी मारा, तो वो बंगाली तुम यहाँ क्या लेने आया। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी, और इंडिया में हम रह सकूँ, हम बांग्लादेश के रहने वाला है, बंगला हमारा ज़बान है, हम कैसे वहाँ मैंने ठहरा नहीं। फिर तो वहाँ थोड़ा वाकुत लगाया तबलीग में, फिर मैंने निज़ामुद्दीन आके बंगला वाली मस्जिद में आके पता किया कि कैसे पाकिस्तान जाऊँगा। साथियों ने बोला ट्रेन लाइन सीधा है, आखिर आसान तरीका है, आप वहाँ पहुँच जाए। तो मैं जिक्र फिक्र के साथ तुरंत यासीन है मेरा हथियार, तुरंत यासीन शरीफ वो मैं पढ़ते रहा पढ़ते रहा पढ़ते रहा, अल्लाह पाक ने मदद करते रहा। ये और कुछ भी नहीं मेरे पास, ऐसे ही था थोड़ा गरीब आदमी, नहायत गुरबत का आखिर हो गया था, जो आपको मैं पेश नहीं कर सकता। मैं अब बच्चा वहाँ, जब बीवी की रोना आप देखेगी तो आपसे अभी माँ बहन की बहन बेटी है मेरा, तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी वो, उससे आप किसी टाइम, ये मेरी बेटी है जो आपसे बात की, मेरी बेटी है सब परेशान उधर रोने के क़यामत जा रहे हैं, मेरा भी उनका भी, मैं इधर पड़ा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा मिट्टी में जाके मेरा दाफन हो जाए, ईमान के साथ कलमा के साथ खातिमा बे खैर नसीब हो जाए मेरा, और कोई तमन्ना नहीं। कि अवला तो देखे कि अबू ये मेरा अबू है, अब जब वहाँ से अबू अबू करते तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होते, अब्बा अब्बा आजा, फिर कैसे बर्दाश्त करूँ, मैं आऊँ कैसे जाऊँ कैसे, मेरे पल्ले में तो कुछ भी ना पैसे, सब कुछ लूट के ले गया धोखेबाज ने, धोखा दे के मैं ऐसा भाई वो सीने में कुरान है इसके बरकत से, किसी जगह मस्जिद में पढ़ा रहा था, रोटी कहीं दे थोड़ा चावल पसंद करता हूँ, चावल मिल जाए तो फिर रोटी नहीं खाता हूँ, फिर रोटी नहीं खाता फिर हमारा खुराक था चावल, बांग्लादेश का खुराक है चावल, जी जी चावल और मच्छी हमारा खुराक है। तो भाई भाई अब सब इंतकाल हो गया, मैं जब पहुँच रहा हूँ अम्मी भी बहुत हो गई, जनाजा नसीब ना हुआ, खबर भी ना मिला पहले। अब 8 साल पहले बहन बोल रही थी, अब अम्मी बहुत हो गया 8 साल पहले, भाई बहुत हो गया, बहुनाई बहुत हो गया, बड़ी बहन बहुत हो गई, एक एक चाचा बहुत हो गया, सब चला गया, सिर्फ मेरी बीवी है वो भी रोती 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 मरने के करीब पहुंच गई। अब मैं इधर रो रहा हूँ, मैं वो उधर रो रही है, जुदाई लंबी जुदाई, जैसे आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम की जुदाई होगी वैसे जुदाई होगी, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम की जुदाई और आदम अलैहिस्सलाम की जैसे जुदाई मेरे वैसे नसीब होगी, अल्लाह माफ़ करे।
अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे, किसी सूरत में मेहरबानी करो, अब दरख्वास्त है। मैं गलती करके बैठा, मैं ज़बरदस्त गलती करके बैठा। दे अब बेटी बोल रहे कि क्यों गया था ऐसे, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान बोलते हैं आप भी आ जाए पाकिस्तान में। वो बोलते कि अबू तू मरा, मैं भी मरो जाके, मेरा औलाद है, बच्चा है, बच्ची है, तू घर में आ, इनको शादीशुदा करवा, देख के तेरी दुख दूर हो जाएगी। बड़ी बेटी की नाम लिखा हुआ है बांग्ला जबान में, आपको दिखा रहा हूँ, मक्किया है बेटी के नाम, इसका नाम है सायमा, और आगे क्या क्या लिखती रहती है। मैं तो इतना सिर्फ कुरान शरीफ मेरा इनके मौलाना को पता है, और कुछ भी नहीं बेटी मेरे पास, यह बांग्ला जबान में लिख रखा ये सब, ये है बांग्ला जबान में। आप देख सकते कि ये बांग्ला जबान है, ये मेरे भांजी है तदरिया, ये ढाका में टीचरी करती है। सब आगे निकल गया, मैं रह गया परदेश में धक्का खाने के लिए, जलील होने के लिए। और वो जलील जलालत देखा तो सोच भी ना सका अल्लाह पाक ने हमें। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग मुझे इकराम करते रहे। चावल वो जो भाई बैठा है ये है, इसके बाप एक हकीम साहब है, इनके घर में जाकर मैं चावल दे दिए हकीम साहब, उसके आबू मेरा दोस्त है, यहाँ इमाम बहुत करते थे, तो मैं ये पल्ले वाला मस्जिद में मौलाना वहाँ खतीब था, ये बहुत बड़ा आलिम है, इनका दिल से तस्लीम मोहब्बत करता हूँ। हाँ तो उम्र के लिहाज से मेरा बच्चा है, लेकिन इलम को कुरान शरीफ ऐसे पढ़ते, मैं भी टाइट हाफिज हूँ, बैठ बैठ कर कुर्सी पर बैठ बैठ कर गलती पकड़ते थे। यहाँ से हर हर आयत के साथ ही है मेरा, और मैं भी इसका हर हर आयत के साथ ही, ये है मेरा मोहब्बत। अब ये कभी कभार इसको ना देख के मेरा दिल ना माने, फिर कहाँ जाओ, और तो जाने की मेरा जगह आई नहीं, कितने जाओ। वहाँ जाएंगे तो इधर याद करेंगे अपने शागिर्दों को। आपको भी मेरी बेटी से बुला लूँगा कि बेटा आ जा तू भी, दोनों बेटी मेरा वहाँ बांग्लादेश में ढाका, उसको ढाका में दो प्लाट ले या दमा देने, अल्लाह पाक ने उनके नसीब अच्छा रखा। अब यही दुख है सबके कि अबू ने अबू होते हुए नहीं आ सकते, अब वो जिंदा हो आए ये भी उनको पता नहीं था, सब बोल गया था कि अबू बहुत हो गया। यहाँ तक कि मेरा बेटा ने हुकूमत को लिख दिया क्या क्या कि मेरा अबू बहुत हो गया, लिहाजा एक ही बेटा है, लिहाजा ज़्यादा जो है मेरे अबू के जो ज़्यादा था थोड़ा मोड़ा है वो मेरे नाम कर दिया जाए। हुकूमत ने फिर वो नाम करा दिया, अबू बहुत हो गया, अबू तो बोल रहा है जिंदा है, रब्ता था नहीं, रब्ता काट गया था ना, मोबाइल चला सकता हूँ, ओए किसी से फ़ोन में बात करना है तो कोई चला चलो दे, मौलाना को आगे तंग करता हूँ, तेरा किसी से बात करा दे घर, वो हमें नहीं पता। बेटी पहले ज़माना के कहाँ मोबाइल था। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, कौन सा बांग्लादेश की हुकूमत, दोनों हुकूमतों को, दोनों हुकूमत तो जिंदाबाद, अल्लाह इनके लिए मैं बहुत दुआ करता हूँ दिल से, क्योंकि हम एक था एक ही अब भी एक है, हम दोनों हुकूमत को अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश को अल्लाह कामयाब फरमा दे, अल्लाह आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमाए, अल्लाह सब को कामयाब फरमा दे, अल्लाह पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी, बाकी इस्लाम के जो दुश्मन है वो उनके लिए, वो लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। लेकिन ये तो खसूसी है, यहाँ तो हमारा बेटी है, या मीनार पाकिस्तान में किसी ने शिकायत किया था मेरे खिलाफ कि ये बांग्लादेशी है, शिनाख्ती कार्ड नहीं है, इमाम मस्जिद था रही पंडली मस्जिद में तो छः सात साल हाँ ये करीब है, वहाँ मैं इमामत करते रहा, उस टाइम जवान था ये, बाद में मैं रह गया, तो ये उस टाइम तो मास्टर जी
मेरे पीछे जाके जुमा पढ़ते थे पहले मौलाना आने से पहले। फिर मौलाना एक मौलाना को ले आया, फिर वो आया तो हमारा बोझ हल्का हो गया था, आसान का हो गया था। ये कहानी थी मौलाना अब्दुल कबीर की, जिनके पास कोई शनाख्ती कागजात मौजूद नहीं है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की हुकूमत के दरमियान फुटबॉल बने हुए हैं। ऐसी बहुत सी मिसिंग पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, बांग्लादेश से किसी का ताल्लुक है और कोई बॉर्डर पार इंडिया से ताल्लुक रखता है, लेकिन कागजात और हमारे जो सिस्टम में सकम मौजूद होने की वजह से वो अपने घर नहीं जा सकते। एंड पे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि अगर कोई आइडेंटिटी साबित हो जाती है तो अब्दुल कबीर जैसे लोग अपने घर वालों से मिल सकें।